चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन सचिव अरविंद सिंह हंक्याकी की अध्यक्षता में बैठक परिवहन विभाग की हुई। वहीं बैठक के बारे में बताते हुए उत्तराखंड संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा कि बैठक ग्रीन कार्ड बनाना और ट्रिप कार्ड जारी करने को लेकर चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने कहा कि सोन प्रयाग से गौरीकुंड के बीच शटल सेवा चलती है, जिसमें हो रही समस्याओं के निदान को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। चार धाम में जो हर वर्ष यात्रा में हम लोग जो मुद्दे होते हैं हमारे सामने, वही मुद्दे थे। ग्रीन कार्ड कैसे बनना है, ट्रिप कार्ड किस प्रकार से जारी करना है, जो गाड़ियां जाती हैं उनको चेक करने के लिए चेक पोस्टों पे जो रोकने में समय लगता है, उससे कभी कभी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, तो उससे कैसे निपटा जाए, कैसे ऑटोमेशन और अच्छा कर दिया जाए कि गाड़ी चलती जाए और हम लोग उनको चेक कर लें अपने लैपटॉप के माध्यम से या कंप्यूटर के माध्यम से कि हाँ इसके कागज़ सही हैं, इसमें ट्रिप कार्ड जारी हुआ है, ग्रीन कार्ड बना हुआ है, सब कुछ दुरुस्त है, तो उनको रोकने की ज़रूरत न पड़े। इस तरह के मुद्दे थे। एक आध मुद्दे ये भी थे कि सोन प्रयाग से गौरीकुंड के बीच में एक शटल सेवा चलती है, उसमें कुछ समस्याएं पिछले वर्षों में रही हैं, तो उनकी समस्याओं के निदान के बारे में भी।